Question is, why alpha hydrogen of aldehyde and ketones are acidic in nature? Suppose दो aldehyde का example लेते हैं, एक CH3, CH2, COH, एक aldehyde and एक is a ketone, C. इसमें alpha hydrogen atom क्या है? ये functional group के लग के जो रहता है वो alpha carbon atom, अल्फा कार्बन आटम के साथ जो जुड़ा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन आटम, हियर ऑल्सो ये अल्फा हाइड्रोजन आटम। इसमें वो एसिडिक क्यों होता है ना? कार्बन कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, वेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। देन कार्बन वो इसके को क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचता है। जब ये इसका इलेक्ट्रॉन ये जब इसका इलेक्ट्रॉन इसी तरफ खींचेगा, ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी खींचेगा अपने पास। जब अपने पास जब खींचेगा तो क्या होगा ना, इसमें जो हाइड्रोजन आटम जो लगा हुआ है, इसमें जो हाइड्रोजन आटम लगा हुआ है इधर, ये जो हाइड्रोजन आटम है ये जो हाइड्रोजन आटम इधर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन आटम इधर जो लगा हुआ है ना, ये क्या करेगा, बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा। और इसमें भी यही है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है, सपोज इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, CH3CH2COH, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा ना, CH3 एसिडिक, एक हाइड्रोजन निकले CH3CH2-CH-C(OH), इसका कंजुगेट बेस यही होगा। कंजुगेट बेस ये होने से क्या होगा ना, ये हो गया एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये है सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक कंजुगेट स्ट्रक्चर हो गया, कंजुगेट स्ट्रक्चर व रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है ना, मोस्ट स्टेबलाइज होता है, मोस्ट स्टेबलाइज होता है, इसीलिए ये भी एक कारण है। सेकंड, ये एक रिएक्शन दिया गया, ये बेंजाल्डिहाइड इसके साथ क्या है ना, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन होगा, ये हो गया बेंजाल्डिहाइड ये हो गया CHO, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड NH मीन्स OH- मीन्स इसका रिएक्शन कैसे होगा ना, ये है, ये क्या है, ये है C, ये है एक्चुअली COH, ये OH- इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये CO- ये इधर चला जाएगा, CO- ये H, ये OH, फिर बैक बॉन्डिंग करेगा तो बैक बॉन्डिंग करने से ये हाइड्राइड आयन निकल जाएगा, ये हाइड्राइड आयन निकल जाएगा, कार्बोसिलिक एसिड प्लस ये हाइड्राइड आयन निकल गया, ये हाइड्राइड आयन जाके फिर ये एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, अभी बेंजाल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं ऐसे, ये जाके क्या करेगा ना, ये तो पॉजिटिव सेंटर है, ये जो H- जो है, H- जो हाइड्राइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने से ये इधर मूव करेगा, ये हो गया CO-, ये हो गया H, और उसके ऊपर H3O+ ऐड करने से क्या होगा ना ये COH, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड दोनों, बेंजाल्डिहाइड एक रिडक्शन हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो गया। थैंक यू।